जब ही इंसानों के बीच दुश्मनी के उदाहरण देना होता है तो लोग अक्सर सांप और नेवले के दुश्मनी के ही देते हैं। सांप और नेवले की दुश्मनी बहुत ही ज्यादा फेमस है। हर किसी को यह पता है जब भी ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे इनके बीच झगड़ा होना लाजमी है। आखिर इनके रिश्ते में ऐसा क्या है जो इन दोनों को एक दूसरे के जानी दुश्मन बनाते हैं, और इन दोनों के इस फाइट में हमेशा जीत किसे मिलती है, जानेंगे विज्ञान के अनुसार इसका सही जवाब आज के इस वीडियो में, लेकिन ये इंट्रो के बाद। तो नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है भास्कर और स्वागत है आप सभी का हुआन हाउ में। दरअसल मैंगोस यानी नेवले एक स्वतः मांसाहारी प्राणी है और इसका बायोलॉजिकल फैमिली है हार्पेस्टिडे। ये दुनिया के लगभग हर देश में पाया जाता है और इस छोटे से प्राणी को एक बहुत ही अच्छा शिकारी माना जाता है। दुनिया भर में इसका 33 विभिन्न प्रजाति पाया जाता है। वही सांप है एक लंबा भिन्न कलर का मांसाहारी रेप्टाइल। दुनिया भर में सांपों का करीब 3400 स्पेसीज से भी ज़्यादा स्पेसीज पाया जाता है। असल में सांप और नेवले के दुश्मनी के सबसे पहला और प्रधान कारण यही है कि ये दोनों प्राकृतिक तौर पर इस धरती पर सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे को अटैक करते हैं। मतलब सांप नेवले को देखकर ही मारना चाहते हैं क्योंकि उसको जीना है। वही नेवले सांप को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि नेवले सांप खाते हैं। सांप नेवले के डाइट में एक स्टेपल यानी मुख्य आहार है। तो नेचुरली ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, प्रकृति ने ही इन्हें ऐसा बनाया है। इसके अलावा भी कई बार सांप नेवले के बच्चे को अपना भोजन बना लेते हैं और बेहद छोटे बच्चों पर तब हमला करते हैं जब मादा नेवला वहाँ पे मौजूद ना हो। तो नेवले को लगता है अगर सांपों को अभी छोड़ दिया तो बाद में ये मेरे बच्चे को दस्त लेगा और उन्हें खा जाएगा। इसलिए बच्चों को बचाने के लिए माँ जितनी भी बड़ी और जहरीला सांप क्यों ना हो उससे फिर जाता है। भारत में पाए जाने वाले ब्राउन नेवले को दुनिया का सबसे घातक स्नेक किलर कहा जाता है। अब सवाल है इन दोनों के इस झगड़े में ज्यादातर किसे जीत मिलती है, तो इसका जवाब है स्नेक किलर नेवले को, क्योंकि नेवले की शरीर सांपों की जहर से इम्यून होता है। नेवले के ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे कहा जाता है एसिटाइलकोलाइन, जो सांपों के जहर के साथ ब्लड स्ट्रीम में बाइंड हो जाता है जिससे जहर न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये नेवले के नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए सांप के काटने से भी नेवले का कुछ नहीं होता। कहा जाता है कि एक तेज तरह नेवला कितने भी बड़े सांपों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, इसीलिए सांप और नेवले के इस फाइट में 100 में से 80 बार नेवले को ही जीत मिलती है। तो यही था सांप और नेवले को लेकर ये आज के ये छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।